आपने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में खबरों में जरूर सुना होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजे थे, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अब इन्हें शायद गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ईडी एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है और इससे संबंधित नियम क्या कहते हैं, तो आज हम आपको इसी बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में, मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि एक बार फिर जांच एजेंसी ईडी और विपक्षी नेताओं के बीच टकराव तेज हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला, लेकिन वे नहीं गए। दोनों ने अंदेशा जताया कि ईडी उन्हें अरेस्ट कर सकती है। तब से ये सवाल उठ रहा है कि ईडी किसी मामले में समन कब करती है, कितनी बार करती है, अरेस्ट करने के पीछे क्या तर्क होता है, क्या किसी सीएम को भी ईडी अरेस्ट कर सकती है या नहीं। तो आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए का सेक्शन 50 जांच एजेंसी ईडी को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देता है। इस सेक्शन के तहत डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी के पास समन जारी करने की शक्ति होती है। सेक्शन 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने और दस्तावेजों को पेश करने और बयान दर्ज करने की जरूरत होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले के मुताबिक गिरफ्तार करने की शक्ति पीएमएलए के सेक्शन 50 में मौजूद है। हालांकि सेक्शन 19 ईडी के अधिकारियों को शर्तों को पूरा करने पर किसी शख्स को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा समन के बाद किसी भी शख्स के पेश ना होने पर ईडी कोर्ट को भी अप्रोच कर सकती है और किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर सकती है। इसके लिए ईडी को कोर्ट में ये साबित करना होगा कि प्रथम दृष्टया उसके पास सबूत है, जिसके खिलाफ समन किया गया है वो जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। ईडी शक होने पर पीएमएलए के अंदर समन जारी कर सकती है, किसी मामले में जानकारी हासिल करने के लिए गवाह के तौर पर भी बुला सकती है। अब सवाल ये कि समन इशू करने पर अगर कोई नहीं आता है तो क्या वो अरेस्ट किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि एजेंसी को लिखित में बताना होगा कि आखिर किन कारणों के चलते एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर ही अरेस्ट कर लिया जाए। एजेंसी को दिखाना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पर ईडी को शक हुआ है। लिखित में शक के आधार को बताना होगा, किस हैसियत से बुलाया है, गवाह या आरोपी के तौर पर बुलाया है, यह साफ करना होगा। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी बार समन जारी किया जा सकता है। सीएम को अरेस्ट करने का कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है। बता दें कि जितनी भी जांच होती है सब एक्ट रूल्स में दिए गए हैं। आपको जांच के लिए बुलाया जा रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जाएं और जो भी सवाल पूछे जाए उनको सही सही बताएं। ये स्थितियों पर निर्भर करता है कि एजेंसी किसी के घर जाकर पूछताछ कर सकती है। जहां तक दिल्ली और झारखंड के सीएम को समन की बात है तो उनको सवालों के जवाब देने ही होंगे। सीएम को एजेंसी के सामने अपीयर होना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो एजेंसी उनको अरेस्ट कर सकती है, कोर्ट में जाकर बता सकती है कि जांच में सहयोग नहीं हो रहा है, या एजेंसी खुद भी अरेस्ट कर सकती है। इसका मतलब ये कि अगर आप प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में अवरोध पैदा कर सकते हैं तो वो भाई साहब आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। आपको ये नियम और प्रोटोकॉल के बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।